खबर अनंतनाग से है। उपजिला अस्पताल अचवल अनंतनाग जिले के कई गांवों के लिए एक उम्मीद है। अस्पताल में एक्सरे की सुविधा नहीं थी और मरीजों को निजी निदान केंद्रों पर एक्सरे प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। डीडीसी सदस्य समीना हुसैन ने वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हाशिम हुसैन के साथ सोमवार को अस्पताल का दौरा किया और जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया और अस्पताल के लिए एक्सरे मशीन और जेनसेट के लिए धनराशि जारी की। मीडिया से बात करते हुए समीना ने कहा कि डिजिटल एक्सरे मशीन मरीजों के लिए वास्तविक आवश्यकता थी और यह लंबे समय से लंबित मांग थी। अब हमने इसके लिए फंड जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हाशिम हुसैन ने कहा कि हम अस्पताल को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने के लिए काम करेंगे और अस्पताल में मरीजों की जरूरत को पूरा करने वाली हर बुनियादी सुविधा होगी। उन्होंने कहा अस्पताल का ऑपरेशनल थिएटर जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया का जो आज आप लोगों की बात वो आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। आप लोग बहुत काम कर रहे हो, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पूरे मीडिया का। और आज जो मुद्दा मकसद था यहाँ आने का मुद्दा मकसद हमारा यही था कि एक तो हमने इनके साथ पिछली बार जब मैं आई थी हमने भी एमओ साहब के साथ कमिटमेंट की थी कि यहाँ पे एक्सरे जो मशीन थी वो उनको देनी थी और जो जनरेटर की प्रॉब्लम थी वो उनको देनी उनको वो हमने अपने फंड्स में दिया है इनको, तो उसके लिए हम आए थे यहाँ पे। और कोविड रिलेटेड जो है यहाँ पे देखना था इंतज़ाम कैसा चल रहा है वो भी हमने देखा, वो भी ठीक है इंशाल्लाह, तो हम इसलिए यहाँ पे आए थे। हमने देखा वो पहली बार जब हम आए थे यहाँ पे, हमने दौरा किया था, हमने बीएमओ साहब से बात की थी तो इन्हें बोला था सबसे मस्त जो यहाँ पे एक्सरे प्लांट जो है वो हमने अपने फंड्स में से दिया है और बोला था यहाँ पे जनरेटर की प्रॉब्लम है वो भी हमने अपने फंड्स में से दिया है। अब USG का बोला है इन्होंने, USG की हमने देखा है यहाँ पे, वो भी हम इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे, वो भी हम जल्द अज जल्द यहाँ पे वो USG का जो हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द यहाँ पे देंगे और जो भी प्रॉब्लम इनकी होगी वो हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हल करेंगे। और हाँ एक बात और, ऑपरेशन थिएटर का जो मैंने यहाँ पे देखा पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी, ऑपरेशन थिएटर का मैंने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे जो माएँ हैं बहनें उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इनको अनंतनाग जाना पड़ता है, नतीजा ये निकलता है अनंतनाग में भी रश बढ़ता है और उनको बेचारों को धक्के खाने पड़ते हैं। और अब मैंने इनसे बात की है, वो भी लिस्ट हमने इनसे मांगा है, इंशाल्लाह ज़रूर वो करेंगे, ऑपरेशन थिएटर जो है वो फंक्शनल बनाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, उनमें जी जान लगाएंगे ताकि यहाँ की आवाम को, यहाँ की माओं को, बहनों को किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े।